हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केयर क्योर। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो। साइडर विनेगर क्या होता है? ये होता है सेब का सिरका। इसको हम बहुत इजीली अपने घर में बहुत ही सफाई के साथ बना सकते हैं। मार्केट में मिलता है पर इतना कॉस्टली होता है कि बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते और कुछ लोग इसको अफोर्ड करना चाहते भी नहीं हैं। अब आप बहुत ही आसान मेथड से अपने घर पर बनाइए, वो भी बहुत ही कम दामों में। इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप भी हैरान हो जाएंगे। प्योर होता है, 100% ऑर्गेनिक होता है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते क्योंकि मार्केट में लॉन्ग पीरियड के हम सेव करते हैं तो इसमें बहुत सारे वो प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है। इसमें 1 टेबलस्पून में कम से कम 11 mg पोटेशियम होता है जो कि हमारे कोल्ड और कफ में को काफ़ी दूर करने में काफ़ी बेनिफिशियल है। और हमने ज़्यादा जो चमकदार होते हैं, जो बहुत ही कॉस्टली वाले होते हैं, वो हमने नहीं लिए हैं। इनको आप आजकल मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं और आप इसका बेनिफिट उठाइए। इसको आप जो हैं बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इन एप्पल्स को चंक्स में चॉप कर लीजिए। लाइक इस तरह से हमें काट लेना है। इस तरह से हमने 3 मीडियम साइज़ के इस टाइप से एप्पल्स लिए हैं, उनको हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें हमें कभी भी स्टील का चम्मच नहीं लगाना है, लकड़ी का यूज़ करना है या प्लास्टिक का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बहुत अच्छे से इसको हमें जो हमारे जार लेना है इसको हमें बहुत अच्छे से स्टरलाइज करना चाहिए और ये स्टरलाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें गर्म पानी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे गर्म पानी से अच्छे से वॉश करना है। हमने इसको इस तरह से डाल दिया है और हमने ये देखना है कि हमें इसको पूरा फिल नहीं करना है, इसको 1/3 ही करना है। अब इसमें हमें ये जो हमारा हमने ब्राउन शुगर लिया है, आप देख सकते हैं हमने 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर लिया है और इसको हमने पानी को बॉइल्ड किया है। फिर हमने 3 टेबलस्पून जो है ब्राउन शुगर लिया है वो इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है और सेव लिया है, आपने देख लिया है। देखते हैं, ये हमने इसमें 1.5 कप पानी मिलाया है, जिस पानी को हमने बॉइल्ड किया है, फिर हमने ब्राउन शुगर उसमें ऐड करी है 3 टेबलस्पून और हमने इस तरह से इसमें डाल लिया है। अब आप हम इसको इस तरह से कर देंगे। अब इसको आप जो हैं एक अच्छे से साफ़ कपड़े से इस तरह से ढक देंगे और फिर इस पर इलास्टिक इस तरह से लगा के आप किचन में कहीं साइड में रख दें इसको, और इसको 3 वीक्स तक की आपको रखना है। और बीच बीच में लकड़ी के स्पून से आपको इस तरह से या प्लास्टिक से ऐसे ऐसे टच करते जाना है क्योंकि इसमें बबल्स बहुत उठेंगे। तमाम कम आप इसको 3 वीक तक की इसको अभी रखना है। इसके 3 वीक्स हो गए हैं ये हमें इसको स्टोर किए हुए। ये नॉर्मल एप्पल साइडर विनेगर की तरह हैं, दैट इज़ कॉल्ड मदर। आपने सुना होगा कि एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, तो इसमें जो बारीक बारीक पार्ट्स हैं तो उसको हम मदर बोलते हैं। और आपको इसको प्लास्टिक की छन्नी से इसको छानना है। अगेन आपको प्लास्टिक की छन्नी से ही छानना है या मलमल के कपड़े से छानना है। तो देखिए इसको हमने छान लिया है अच्छे से और आप इसको और ज़्यादा, ये देखिए बिल्कुल फॉर्मेट हो गया है और इसमें इसको और ज़्यादा फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसको अभी भी इसको और भी रख सकते हैं। आप इसको जितना ज़्यादा बनाएं या जितना ज़्यादा दिनों तक की फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा दिनों तक इसको टेबल टॉप पर रख के आप इसको छोड़ सकते हैं या कहीं भी किचन में कहीं पर
जहाँ पे वाटर लेनी है उसको गर्म पानी से स्टरलाइज कर लेना है, अच्छे से वॉश करना है इसको। आप जो है आप इसको कैसे लेंगे, जो टाइम आपको सूट करे, लंच से पहले, आफ्टर मील, ब्रेकफास्ट के बाद, आपको जो टाइम सूट करे आप उसमें ले सकते हैं। एक चम्मच लें, उसके बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा करके दो या तीन कर सकते हैं। आप इसमें सिनेमन स्टिक में भी मिला के ले सकते हैं। आप इसको इस तरह से आधा वाटर दो पानी ले लें, ल्यूक वार्म वाटर ले लें और उसमें दो चम्मच मिला ले लें। आप सिनेमन भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़ीरा वाटर भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें शहद भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वेट लॉस में के लिए बहुत ही अच्छा है ये, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, ये हमारी सर में जो डैंड्रफ हो जाती है उसको रिमूव करता है और ये हमारा बहुत अच्छा कंडीशनर का काम भी करता है। हमारे स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसको आप हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में ही लें, हमारे दूर करता है इसके। सो व्यूअर्स, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि आप इसको यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो आप व्यूअर्स इसको ज़रूर बनाएं और इसको जो हमारा ये बेस्ट ओवर है इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको फ्रिज में किसी एयर टाइट बॉटल में रख सकते हैं और उसके बाद अगली बार जब आप बनाएंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना इतना ज़्यादा टाइम होगा। तो आप जितना ज़्यादा आप इसको फॉर्मेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।